हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जसमीत कोर्स कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कनॉट प्लेस की फेमस शॉप है जैन चावल वाले। बहुत ही पुरानी और मशहूर है, पापा मम्मी के टाइम की है और हम भी जब वहाँ जाते हैं तो हम ज़रूर वहाँ विज़िट करते हैं और राजमा चावल तो हम सबके फेवरेट हैं वहाँ के। तो वही की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पर कैसे सर्व किए जाते हैं राजमा चावल, तो वहीं की सर्विंग मैंने आज आपको दिखाने की कोशिश की है। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में एंड तक। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने राजमा भिगोए हैं, 4 घंटे के लिए राजमा भिगोए थे मैंने। ऐसे गुनगुने पानी में भिगोया है, आप ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं, बट मैंने इसे गुनगुने पानी में 4 आवर्स के लिए भिगोया था नमक डाल के। 2 कटोरी राजमा है ये, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 तेज़पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च। और कुकर का ढक्कन लगा के वेसल लगाएंगे जब तक कि आपके राजमा गल ना जाए, 8 से 10, कुकर पे डिपेंड करता है आप कितने वेसल लगाएंगे। सो यहाँ पे मैंने लिया है मसाला रेडी करने के लिए 4 टमाटर बड़े साइज़ के, अदरक का टुकड़ा, पीली हल्दी आती है 1, पीली टर्मरिक, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, इसलिए मैं एक साथ सब कुछ डाल के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है, आप चॉपर की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैंने नाइफ से किया है। और यहाँ पे मैंने सोख किए हैं 1 गिलास चावल, 1 घंटे बाद हम चावल बनाएंगे। तो तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 4 चम्मच बड़े मैंने हीट करने के लिए रखा है कुकिंग ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं ले सकते हैं। ऑयल हीट होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 स्पून हींग और 2 चम्मच ऐड करूँगी मैं इसमें जीरा। जीरा और हींग को अच्छे से चटकने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप किए हुए अनियन, अच्छे से भून लेंगे प्याज को ताकि हमारे राजमा का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आए। थोड़ी सी मेहनत मसाला भूनने में ही लगती है जब हम राजमा बनाते हैं, जब हम राजमा या छोले कोई भी चीज़ बनाते हैं तो देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है प्याज का, थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी जो टमाटर प्यूरी हमने ग्राइंड करके रखी है, लहसुन अदरक भी इसमें मैंने डाल दिया था, तो सब कुछ साथ में ग्राइंड करा है और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद भी थोड़ा देर से इसी तरह से भूनेंगे। मसाला भूनने में कम से कम मुझे 1/2 आवर लगा क्योंकि बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही मसाला भुना जाता है, क्योंकि जलना भी नहीं चाहिए और मसाला कच्चा भी नहीं होना चाहिए। स्पाइसेस में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज हो गया है मसाले डालने के बाद, भूनने के बाद, ये आप देख सकते हैं। सब पानी ऐड और करूँगी मैं इसमें और इस तरह से जब अच्छे से मसाला हमारा भुन जाए और ऑयल परफेक्टली रिलीज़ हो जाए मसाले में से, तो आप गैस का फ्लेम ऑफ़ कर सकते हैं। मसाला बिल्कुल रेडी है मेरा और यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और अब ऐड करेंगे इस मसाले को बॉईल हुए हुए राजमा में। राजमा परफेक्टली गल जाए उसके बाद ही आप मसाला ऐड करें।
यहाँ पे मेरे राजमा बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और यहाँ पे तेज पत्ता मैं निकाल दूँगी। जितना फ्लेवर बॉयल होने में आना था इसका आ चुका है, तो अब आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी मैं मसाला ऐड कर दूँगी इसमें। कलर आप देख सकते हैं मसाले का कितना अच्छा आया है। बेसिक मसाले ही ऐड किए हैं मैंने, ज़्यादा कुछ इन्ग्रीडियंट ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किए हैं। और थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैं इसमें 3 से 4 विसल और लगाऊंगी, जिससे कि राजमा अच्छे से मिक्स हो जाए मसालों में। पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे राइस जो हमने भिगो के रखे थे। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने हाफ स्पून। नेक्स्ट यहाँ पे डालूँगी जीरा और 4 लौंग डालूँगी। लौंग से चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप इसमें बारीक चॉप करके प्याज भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी ऐड कर रही हूँ सिर्फ लौंग और जीरे से ही तड़का लगाऊंगी चावलों में। थोड़ा सा जीरा भुनने देंगे, उसके बाद जो सोक करने के लिए चावल रखे थे मैंने उसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसमें 1 ग्लास पानी ऑलरेडी ऐड है। थोड़ा सा बॉईल आने के बाद 1 ग्लास पानी और ऐड कर देंगे इसमें। मैं हमेशा चावल इसी तरह से बनाती हूँ, परफेक्टली बनते हैं खिले खिले। आप इसमें बासमती राइस भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नॉर्मल राइस लिए हैं। एक चम्मच नमक ऐड किया है यहाँ पे मैंने। अच्छे से बॉईल आने देंगे, उसके बाद ढक के चावलों को पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। पे मैंने लिया है पापड़, उड़द की दाल का पापड़ है ये। इसे गैस पे सेक लेंगे या तवे पे, ये लास्ट में हमें प्लेटिंग करने में काम आएगा। और यहाँ पे रेडी हो गए हैं राजमा भी और चावल भी बनके। तो आइए चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। राजमा का कलर बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली बने हैं। ये सब मसाला भूनने पे होता है कि मसाला आप किस तरह से भूनते हैं उसी पे राजमा का कलर जो है वो डिपेंड करता है। आइए सर्व करते हैं राजमा राइस जिस तरह से जैन चावल वाले सर्व करते हैं। यहाँ पे थोड़े से राइस डालेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे थाली में, उसके ऊपर ही मैं राजमा डाल दूंगी। इस तरह से थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे राजमा की, अच्छे से स्प्रेड करते हुए। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी थोड़े से कटे हुए प्याज जो मैंने बारीक काटे थे। थोड़े से साइड में रख देंगे। 1/2 लेमन यहाँ पे मैंने कट करके रखा है। 2 हरी मिर्च रखी है मैंने बीच से कट करके। थोड़ा सा घर का अचार रखा है मैंने यहाँ पे, मिक्स पिकल। और जो पापड़ हमने भून के रखा था वो इस तरह से तोड़ के इसके ऊपर डाल देंगे। तो रेडी है हमारी जैन चावल वाले की रेडीमेड प्लेट जो आज हमने घर में ट्राई करी है। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और सर्विंग तो आपको बहुत ही पसंद आई होगी आई होप। सो Enjoy. Thank you so much for watching. Have a nice day.
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।